ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों की एसोसिएशन ने फीस बढ़ाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एक तरफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सरकार को नोटिस भी भेजा गया है। वहीं दूसरी तरफ एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन देकर मांग की है कि जो प्राइवेट स्कूल एक्ट बनाया गया है, साथ ही साथ जो फीस वृद्धि एक साल तक रोकने का जियो गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला गया है, उसे भी खत्म किया जाए। आपको बता दें, कोरोना के इस संकट काल में योगी सरकार ने एक आदेश निकालकर सभी प्राइवेट स्कूलों में एक साल के लिए फीस वृद्धि पर रोक लगा दी थी और साथ ही वाहन शुल्क भी लेने से मना कर दिया है, जिसके खिलाफ एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल उत्तर प्रदेश ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट में सरकार के फैसले के खिलाफ जाते हुए प्राइवेट स्कूल ने ये दलील दी है कि वो लोग ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, शिक्षकों को सैलरी बढ़ानी है और स्कूल के खर्चे चलाने हैं, ऐसे में सरकार फीस बढ़ाने के उनके अधिकार को नहीं रोक सकती। प्राइवेट स्कूल के रिट याचिका पर लखनऊ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस देकर जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 18 जून तय कर दी गई है। एक मई को जो शासन आदेश आया है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेणुका कुमार जी का, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि आप क्योंकि लॉकडाउन के दौरान 3 महीने कोई पढ़ाई नहीं हो रही, ना पढ़ाई आगे होगी, इसलिए स्कूलों को फीस वृद्धि का कोई औचित्य नहीं है और फीस ना पढ़ाई जाए। हमें लगता है कि रेणुका जी को शायद ये ज्ञान में नहीं होंगे कि हम लोगों जैसे ही लॉकडाउन हुआ 24 मार्च से ही रेगुलर हम लोगों का ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट हो गई थी। हमारे सारे टीचर, सारे स्टाफ लोग लग के रेगुलर टीचिंग अच्छे से करा रहे हैं। उसका एक रीजन ये था कि हम लोग का यही है कि बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो, उसके लिए हमने पूरा प्रयास किया। बहुत चैलेंजिंग टास्क था ये ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट करना, क्योंकि क्लासरूम टीचिंग में ऑनलाइन टीचिंग में बहुत ज्यादा मेहनत करती है कि हमें इंटरनेट के थ्रू बच्चों को पढ़ाना, समझाना, एक्सप्लेन करना। तो सारे टीचर ने बहुत इमोशन से हार्ड वर्क किया और हम लोग रेगुलर चला रहे हैं आज तक और आगे भी चलाएंगे जब तक लॉकडाउन चलेगा।